क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। ठीक है, तो बेसिकली किस तरह के ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं बैंक्स के लिए नाउडेज। ठीक है, पहले जो होता था कि बैंक्स ब्रांचेस के जरिए बैंकिंग करते हैं। ठीक है, अब दूसरे चैनल्स आ गए। ठीक है, डिलीवरी चैनल्स बेसिकली मीन्स वो चैनल्स या वो फैसिलिटीज़ जिनके ज़रिए बैंक अपनी सर्विस को कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, यानी कि वो चैनल्स या वो फैसिलिटीज़ जिनके ज़रिए बैंक्स अपनी सर्विस डिलीवर करते हैं। पहले तो बैंक ब्रांचेस होती थी, अब वी हैव डिफरेंट चैनल्स। ठीक है, टेलीफोन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, मोबाइल बैंकिंग है, टेलीविजन बैंकिंग है। ठीक है, एंड वी डोंट नो इन फ्यूचर क्या आने वाले। ठीक है, होपफुली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड, और इन फ्यूचर कोई नए चैनल्स आ जाएंगे, कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए थिंक अबाउट इट, इन फ्यूचर बैंकिंग में क्या आने वाला है। थिंग इज के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एक्सपैंड होगी और इन फ्यूचर बैंक्स विल मेकिंग अलॉट ऑफ मशीन्स। ठीक है, अच्छा, टेलीफोन बैंकिंग क्या चीज़ है? टेलीफोन बैंकिंग इज बेसिकली बैंकिंग डन थ्रू अ टेलीफोन। आप किसी बैंक को कॉल करते हैं। ठीक है, आप फ़ोन पे चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है। ठीक है, इसी तरह आप फ़ोन बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ठीक है, और दूसरी सर्विसेज भी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड बाय टेलीफोन बैंकिंग। ठीक है, टेलीफोन बैंकिंग के कुछ बैंक जो हैं दे ऑफर 24 आवर सर्विस 7 डेज अ वीक। ठीक है, यानी कि आप 24 घंटे किसी टाइम भी बैंक को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा चेक क्यों डिपॉजिट हुआ, या पूछ सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने रह गए। ठीक है, एंड 7 डेज अ वीक भी पॉसिबल है, कुछ बैंक संडे को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप संडे को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के हालात कैसे हैं, या आपने कोई चीज़ कोई एडिशनल सर्विस खरीदनी है बैंक से, उसके बारे में बैंक आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं ओवर द फोन। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनेट ज़्यादा टेलीफोन बैंकिंग है तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है खास तरह की। ठीक है, टेलीफोन बैंकिंग में जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है स्विच नेटवर्क्स। ठीक है, स्विच नेटवर्क्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये टेलीफोन बैंकिंग में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद IVR है। IVR बेसिकली क्या है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ठीक है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है? इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसको आप फ़ोन पे बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक की कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं भाई आपका प्रॉब्लम किस तरह का, आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, मे बी आपका प्रॉब्लम है आप बैंक अकाउंट न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, या आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको बताया अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो प्रेस 1, और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रेस 2। ठीक है, तो आप जैसे बटन प्रेस करते हैं ना, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के ज़रिए कंप्यूटर को पता लग जाता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया। ठीक है, और उसकी वजह से कंप्यूटर पहले से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है, उसके मुताबिक आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। ठीक है, एक और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है टेलीफोन बैंकिंग, वो है कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन टेलीफोन बैंकिंग। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि टू मैनेज ईच कॉल यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, आप कंप्यूटर को यूज़ करके हर कॉल को सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 कस्टमर्स बैंक को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर जो हर कॉल को सेपरेटली डील करेगा। ठीक है, हर कॉल को ट्रांसफर करेगा टू अ सेपरेट एजेंट लाइक दैट। इसके अलावा पॉपअप टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल होती है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप कस्टमर सर्विस कॉल करते हैं, ठीक है, एक एजेंट उठाता है, वो कहता है मैं कॉल आगे ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, जैसे कॉल ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो आपके फ़ोन नंबर वो एंटर करता है, और साथ ही उसके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, यानी कि बैंक के पास आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है सारी डिस्प्ले हो जाएगी ऑन द पॉपअप स्क्रीन। फिर इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? बेसिकली आई होप यू हैव अ बेटर आइडिया कि आप तो हैं इंटरनेट जनरेशन। ठीक है,
इंटरनेट बैंकिंग बेसिकली क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग बैंकिंग डन ऑन द इंटरनेट, ठीक है, यानी कोई भी बैंकिंग सर्विस जो आप इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर रहे हैं वो इंटरनेट बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पता लगाना है कि आपके बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है, आप बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। हर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के लिए आजकल एक सेपरेट वेबसाइट होती है, तो आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करेंगे, ठीक, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके कितने बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने कोई पैसे डिपॉजिट कराए थे पिछले महीने तो कितने कराए थे, ठीक है, उसमें से आप एक बैंक स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं और उसके ज़रिए आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन बैंक अकाउंट में। तो ये सारी सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए पॉसिबल होती है, और इंटरनेट बैंकिंग यही है कि आप इन सर्विसेज को इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करें। सो मोर एंड मोर बैंक्स आर कमिंग टू रियलाइज दैट इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ बैंक्स ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल स्ट्रेटजीज, ठीक है, यानी कि मोर एंड मोर बैंक्स इस चीज़ को रियलाइज कर चुके हैं कि इंटरनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैंक्स डिलीवरी चैनल। इंटरनेट बैंकिंग हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट। ज़ाहिर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस अभी ज़्यादातर जो बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, मेरे आप जैसे लोग, ठीक है, हम जब बैंक के साथ डील करते हैं तो बैंक बिजनेस हो गया, हम कंज्यूमर हो गए, सो इट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादातर जो है बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रही है, बट अब बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। बिजनेस टू बिजनेस क्या होगा, अगर बैंक जो है यूनिवर्सिटी के साथ कोई डीलिंग करता है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो दैट विल बी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बैंक एक बिजनेस है, यूनिवर्सिटी भी एक बिजनेस है, तो इट इज़ बिजनेस टू बिजनेस। इंटरनेट बैंकिंग इज़ अ गुड थिंग, इसकी वजह से बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ठीक है, बट देर आर कंसर्न, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग इज प्रॉब्लम, इंटरनेट बैंकिंग का सबसे मेजर प्रॉब्लम है सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी इज़ अ प्रॉब्लम। आपके सामने एक सैम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग किस तरह से होती है, ठीक है, बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग में एक वेब सर्वर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आपका जो इंटरनेट इट इज़ कनेक्टेड टू अ वेब सर्वर, ठीक है, उसके अलावा बैंक अपना एक इंटरनेट बैंकिंग सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर्स आर बेसिकली टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, और फिर अपना बैंक का एक डेटाबेस भी होता है जिसमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है। ठीक है, और बीच में होते हैं फायरवॉल, सर्वर और इंटरनेट बैंकिंग सर्वर, वेब सर्वर और इंटरनेट बैंकिंग सर्वर के बीच में, और कस्टमर डेटाबेस के बीच में फायरवॉल है। फायरवॉल्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है, फायरवॉल्स जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फायरवॉल्स बेसिकली प्रोवाइड द सर्वर फ्रॉम अटैक बाय हैकर्स, ठीक है, तो हैकर्स जो है वो उन्हें शौक होता है वेब सर्वर्स के ज़रिए कस्टमर डेटाबेस को एक्सेस करें, ठीक है, कस्टमर डेटाबेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट कस्टमर, तो बेसिकली वो हैक करते हैं बैंक अकाउंट्स को थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, और बैंक अकाउंट्स को हैक करते हैं तो वो लोगों के पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, या लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, ठीक है, लाइक उनकी एज क्या है, उनकी जॉब क्या है, उनका घर कितना है, तो इस तरह के बड़े से सिक्योरिटी कंसर्न हैं इंटरनेट बैंकिंग में, ठीक है, तो फायरवॉल्स इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, फायरवॉल्स में बेसिकली कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रिवेंट्स अटैक्स बाय हैकर्स, तो आपके फायरवॉल जितने अच्छे होंगे उतना आपका सिक्योर सिस्टम। तो इंटरनेट सिक्योरिटी और फायरवॉल से बहुत काम हो चुका है, ठीक है, अभी जो इंटरनेट बैंकिंग की सिचुएशन है, इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुकी है, ठीक है, बट स्टिल इसमें लूपहोल्स हैं, हैकर्स जो हैं फिर भी फायरवॉल्स के ज़रिए या सिक्योर फायरवॉल्स के ज़रिए जो है ना वो दे कैन स्टिल एंटर इनटू कस्टमर डेटाबेस और वो कुछ गलत हरकतें कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो फिर है मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग क्या है, बेसिकली मोबाइल बैंकिंग इज बैंकिंग डन ऑन अ मोबाइल डिवाइस, ठीक है, अब मोबाइल डिवाइस जो है उसमें आमतौर पर मोबाइल फ़ोन आता है, ठीक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अलावा दूसरी भी मोबाइल डिवाइस हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो टैबलेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल मोबाइल डिवाइस, ठीक है,
आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी बैंक की, उसमें लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है। उस एप्लीकेशन के जरिए आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट बैंक। उस एप्लीकेशन के जरिए यू कैन ऑल्सो पे योर क्रेडिट कार्ड बिल, और उस एप्लीकेशन के जरिए यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा SMS बैंकिंग भी है, यानी कि बैंक्स आर मेकिंग यूज ऑफ SMS। SMS का लिमिटेड यूज है बैंकिंग, ठीक है। SMS का काम क्या होता है, बेसिकली बैंक्स जो है वो SMS भेजते हैं आपको कि आपके बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं, या अगर आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं उसकी भी आपको SMS आ जाती है। उसके बाद वेब बैंकिंग भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। वेब बेसिकली क्या चीज़ है, वेब स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह का टेक्निक स्टैंडर्ड है, इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक तरह का वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है, या इसका मोबाइल नेटवर्क भी कह सकते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बैंकिंग होती है, जब हम मोबाइल फ़ोन पर लॉग इन करके अपना बैलेंस वगैरह चेक करते हैं। ये तो SMS बैंकिंग को जो है ना बेसिक बैंकिंग इंक्वायरी या बेसिक ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाता है आपके बैंक में बैलेंस इतना है, ठीक है, फंड्स ट्रांसफर होते हैं, मैसेज आ जाता है। यू कैन ऑल्सो यू आर ऑल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट कि एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है अगर आपने फॉरन करेंसी खरीदी, ठीक है। सो SMS बैंकिंग आर परफॉर्म बाय द कॉरपोरेशन ऑफ बैंक एंड द GSM ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि जो GSM ऑपरेटर है आपको मोबाइल फ़ोन का जो ऑपरेटर है उसके साथ मिलकर बैंक जो है SMS बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये SMS बैंकिंग में भी ना सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। सर मैंने बताया था ना इंटरनेट बैंकिंग में, ठीक है, तो आजकल जो है फायरवॉल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट बैंकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मोबाइल बैंकिंग में जो सिक्योरिटी सिस्टम उस तरह का नहीं है, ठीक है, इसमें लूपहोल्स थोड़े से ज़्यादा है, बट स्टिल टेक्नोलॉजी आ रही है और उस पर काम हो रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग को भी सिक्योर बनाया क्या काफ़ी हद तक, बट स्टिल आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए जो भी डेटा एक्सेस करते हैं उसको हैक किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, या वो लीक भी किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इज वेब बैंकिंग। सो वेब बैंकिंग क्या है, इट्स वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इज एन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट एंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस डिवाइसेस डिजाइन टू एनेबल मैन्युफैक्चरर वेंडर and technology independent access to the internet and advanced services. तो वेब टेक्नोलॉजी बेसिकली एनेबल करती है आप मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, ठीक है, और उसके अलावा दूसरी तरह की सर्विस का एक्सेस कर सकें, ठीक है। सो इट इज़ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस डिवाइसेस डिजाइन टू एनेबल मैन्युफैक्चरर वेंडर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर यानी मोबाइल फ़ोन का बनाने वाला और मोबाइल फोन में बेचने वाला सपोर्ट। इसमें दूसरी तरह की टेलीफोनी सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं वेब बैंकिंग। फॉर एग्जांपल आप जो है ना डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज एन एग्जांपल। सो वेब इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, किसी एक मुल्क का नहीं। वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफर्ड इन वेब एनवायरनमेंट बैंक्स, ठीक है। सो वेब के जरिए बैंक्स काफ़ी ट्रांजेक्शन ऑफर करते हैं नाउडेज, ठीक है, आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर SMS बैंकिंग के आर्किटेक्चर से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है, बट स्टिल दे आर डिफरेंसेस। स्मार्ट कार्ड बेसिकली क्या होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स आर अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद एन एम्बेडेड माइक्रोचिप दैट कैन बी लोडेड विद डेटा यूज्ड फॉर टेलीफोन कॉलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट्स एंड अदर एप्लीकेशंस, देन पीरियोडिकली रीचार्ज फॉर एडिशनल यूज। प्लास्टिक कार्ड बेसिकली स्मार्ट कार्ड इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड। जो आपने जितने भी प्लास्टिक कार्ड देखे हैं ना, लाइक ATM कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, they are all smart cards।
स्मार्ट कार्ड इज़ अ जनरल टाइप ऑफ कार्ड, फिर आगे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एटीएम कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द बैंक। कुछ ऐसे स्मार्ट कार्ड भी होते हैं जो ना एटीएम कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर फ़ोन बूथ पे कॉल करनी, ठीक है, फ़ोन बूथ होते थे एक ज़माने में, अभी भी होते हैं, लेकिन अगर आप घर से दूर हैं क्या मोबाइल नहीं है तो आपने कॉल करनी है तो फ़ोन बूथ के ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन बूथ के लिए आप कॉलिंग कार्ड खरीदते हैं, कॉलिंग कार्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।